Hi everyone, so good evening. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So today's topic about mechanism of action. तो पिछले टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कशन किया था एंटीबायोटिक क्या होता है और उसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर. आज हम बात करेंगे उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर. तो देखो, उसमें सबसे पहले आपका आएगा जो सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं ड्रग्स, वो कौन कौन से ड्रग्स होते हैं. दैट इज योर पेनिसिलिन, सिफेलोस्फोरिन, साइक्लोसेरिन, वैंकोमाइसिन और वेसिट्रासिन. ये जो ड्रग्स होती हैं, ये ड्रग्स क्या करेंगे आपकी सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं. और नेक्स्ट आ गया आपका कॉज लीकेज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें लीकेज कॉज करती हैं. तो वो ड्रग्स होती हैं आपकी पॉलीपेप्टाइड्स में आपकी ड्रग्स आएंगी पॉलीमाइक्सिन, कोलेस्टिन एंड बेसिट्रासिन. और जो पॉलिन्स होता है, पॉलिन्स में आपकी ड्रग्स आती हैं एम्फोटेरिसिन बी, नेस्टेटिन एंड हेमिसिन. उसके बाद थर्ड है आपके पास इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, जो आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं ड्रग्स, वो कौन कौन सी हैं. योर टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, इरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन और लिंजोलिड. ये ड्रग्स आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं. एंड नेक्स्ट है अपन का कॉज मिसरीडिंग ऑफ एमआरएनए कोड. जो आपका एमआरएनए कोड होता है उसमें मिसरीडिंग कॉज करता है और आपकी परमिएबिलिटी को भी इफेक्ट करता है. तो वो आपके अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, उसमें ड्रग्स आती हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन, जो आपकी परमिएबिलिटी को भी इफेक्ट करेंगी और जो एमआरएनए की जो कोड होता है उसमें भी मिसरीडिंग कॉज करेंगी. नेक्स्ट है आपका इनहिबिट डीएनए गायरेज. जो आपका डीएनए गायरेज है, डीएनए गायरेज को भी ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा. तो वो ड्रग्स होती है आपकी फ्लोरोक्विनोलोन्स और सिप्रोफ्लोक्सासिन. एंड नेक्स्ट है आपका जो डीएनए की फंक्शनिंग के साथ इंटरफेयर करती है, वो आपकी रिफेम्पिसिन होती है, मेट्रोनिडाजोल. ये ड्रग्स आपकी डीएनए फंक्शनिंग को के साथ इंटरफेयर करती हैं. एंड नेक्स्ट है आपका इंटरफेयर विद डीएनए सिंथेसिस. जो आपके डीएनए की फॉर्मेशन के साथ इंटरफेयर करेंगे वो आपकी एसिक्लोविर और जिडोवुडिन होती हैं. एंड नेक्स्ट है इंटरफेयर विद इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म. जो आपके इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफेयर करेगा वो होगी सल्फोनामाइड्स, सल्फोन, पीएएस, ट्राइमेथोप्रिम, पाइरिमिथामिन और इथामब्यूटोल. ये कुछ ड्रग्स हैं जो आपके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस के ऊपर हमने क्लासिफाई की हुई है. सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.